हार के सामने कोई भी बौखला जाता है, और ऐसा ही हुआ हार्दिक पांड्या के साथ। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कुछ कांड कर बैठे जिससे कि पूरा मीडिया सोशल मीडिया तक हिल गया। जी हाँ दोस्तों, और वाकया हुआ मोहम्मद शमी के साथ। चलिए बताते हैं आपको दोस्तों, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच चल रहा था। वहां पर गुजरात टाइटंस पहले बैट के थे और सनराइजर्स हैदराबाद को वो चेस करना था। सनराइजर्स हैदराबाद के कोई विकेट ही गिर नहीं रहा था, तो हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान वो तो बौखला ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले तीनों के तीन मैचेस गुजरात टाइटंस ने जीता था और ये मैच हार ही नहीं सकता, ये हार्दिक पांड्या की सोचना था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हार्दिक पांड्या ऑलरेडी टेंशन में थे, और वहां पर हार्दिक पांड्या के बॉल पे हैदराबाद के बैट्समैन ने उठाया एक बॉल जो कि गिरा बाउंड्री लाइन के पास। मोहम्मद शमी वहां पर फील्डर थे। मोहम्मद शमी अगर थोड़ा दौड़ के आते, थोड़ा नहीं, उन्हें करना होता एक स्पीडी रन और उसके बाद जाकर वे कैच पकड़ पाते, लेकिन दोस्तों वो कैच लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम था। जी हाँ दोस्तों, शमी को डाइव देना होता और अगर वो कैच मिस हो जाता वो श्योर शॉट चार हो जाता। तो मोहम्मद शमी ने चूज किया कैच ना पकड़े लेकिन चार भी ना होने दे। ये इसलिए मोहम्मद शमी चार को रोकने के लिए थोड़ा पीछे चले गए और बॉल को टप्पा खाने दिया, और उसके बाद मोहम्मद शमी के हाथों आया बॉल ड्रॉप खाके। तो हार्दिक पांड्या इससे बहुत नाराज हो गए। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या वहां पर हम सबको ही दिख रहा था कि वे चाहते थे कि वे कैच पकड़े, यानी मोहम्मद शमी कैच पकड़े, लेकिन मोहम्मद शमी ने कैच ना पकड़ के चार को रोका। इससे हार्दिक पांड्या का दिमाग हिल गया और शमी को ऐसे रिएक्शन दे बैठे और ऐसे चिल्ला कर कुछ कहा जिससे कि पूरा नेट हिल गया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इससे बहुत बातचीत हो रहा है। हार्दिक पांड्या से बहुत सीनियर है मोहम्मद शमी क्रिकेट खेलने के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, और अगर एज के भी देखा जाए तो भी मोहम्मद शमी बड़े हैं। हाँ, एज ए कप्तान आप कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के चलते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने के बाद बहुत लोग हार्दिक पांड्या को लेकर नाराज होते हुए दिखे। इससे पहले भी हार्दिक पांड्या को नाराज होते हुए देखा गया दूसरे टीममेट्स के ऊपर गुजरात टाइटंस की। तो एज ए कप्तान आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत लोगों ने उन्हें एज ए टेरिबल कप्तान कहा। फ्रस्ट्रेशन के लेवल होते हैं, लेकिन ऐसे लेवल पर वैसे बौखलाए उठना एकदम ही ठीक नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये हार्दिक पांड्या ने सही किया या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा। दोस्तों मुझे इंतजार का, दोस्तों आपके मीडिया में कमेंट का।